होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज है 22 अप्रैल और आज मेरी मौसी के यहाँ पे पहला शादी का फंक्शन। आपको पता है मेरी मौसी के यहाँ पे शादी है, मेरे भाई की शादी है, तो नेल पेंट अभी लगाती हूँ। केशव आ गया, नेल पेंट लगा दो मम्मा। तो आज पहला फंक्शन है, कपड़े चेंज कर रही हूँ। श्याम बाबा की आज चौकी है तो मैं जा रही हूँ। एक्चुअली अंजलि की एक मीटिंग भी है शाम को और एक पापा का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, तो अंजलि को वहाँ पे भी लेके जाना है पापा को। तो मैंने सोचा कि यार मैं चले जाती हूँ, पापा की सारी जो चीज़ें हैं वो अंजलि देख लेंगे, और ऑफकोर्स मीटिंग है तो आते आते लेट ही हो जाएगा, रात को 11 बज जाएंगे। सो बस अभी मैं रेडी होने लग रही थी, अभी बाल आयरन करूँगी और आज मैं अपना आउटफिट आपको दिखा देती हूँ। ये वाली नहीं, ये तो गोविंद की है शर्ट। ये वाली शर्ट मैंने गोविंद की अभी प्रेस करवा के लेकर आई हूँ, क्योंकि उसको ये रेड वाली शर्ट पहनाऊंगी। और मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ जो मैंने दिवाली वाले ब्लॉग में भी पहनी थी। ये मेरी शादी की साड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी इतनी तेज धूप में मैंने ना एक्चुअली प्रेस करनी स्टार्ट की थी, बट मुझे लगा यार ये पतला कपड़ा है, कभी ऐसा ना हो मैं जला दूँ, क्योंकि यहाँ की जो प्रेस है ना उसका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो फिर मैंने बाहर से करवाई, क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा ही होता है, पतला कपड़ा जल वल जाता है मुझसे। तो ये मैं प्रेस करवा के लेकर आई हूँ, अच्छे से स्टीम आयरन मैंने करवाई है और अब हम फटाफट रेडी होते हैं। मैं मेरे मामा मामी जी के साथ जाऊंगी। मेरे मामा जी लोग लखीमपुर से आ रहे हैं और यही वाला रास्ता पड़ता है हमारे घर की तरफ से, तो हम मुझे पिक करते हुए फिर वो मौसी के यहाँ पे जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट रेडी होते हैं, पहले एक आउटलेट देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इस आयरन रॉड के बारे में पूछते हैं, यार ये ना इसका लॉक सिस्टम खराब हो गया है। ये रेवलॉन की है, मैंने ली थी ये टीजे मैक्स से, और जो भी यूएस के प्लग्स होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं, फिर इनके साथ ना मैं कन्वर्टर लेके चलती हूँ जिससे कि मैंने यूज कर पाऊंगी। मैंने अपने हाथ में कीर्तन वाले दिन ही मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि अभी फंक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम भी था और मेहंदी वाली घर पे आई भी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं ही शुभारंभ करती हूँ मेहंदी लगवाने से। वैसे मेहंदी का फंक्शन कल है, तो फिर स्पेशली मेहंदी लगवाने, फंक्शन अटेंड करने मुझे ऑल द वे फिर से आना पड़ेगा, तो मैंने ये काम भी आज ही निपटा लिया। और मेरे साथ साथ फिर कई लोगों ने आज के दिन ही मेहंदी लगवा ली थी, और वैसे भी समर्स का टाइम है तो मेहंदी साथ साथ ही सूख गई थी। उसके बाद मैं आई छत पे, जहाँ पे बाबा जी का दरबार बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा था, और ये है मेरा भाई जो दूल्हा है, और ये है मेरी मामी जी। मैं आपको एक एक करके अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलवा रही हूँ, बट हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जो स्पेशली शादी के एक दिन फंक्शन पे आने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में। हमने भी यहाँ पे पूजा की और इस टाइम पे मैं अंजलि को बहुत मिस कर रही थी, बट यार सारे काम ही ज़रूरी होते हैं। आज मम्मी पापा को भी एक शादी में जाना था और पापा रात में ड्राइव नहीं करते हैं, तो अंजलि ने बोला मैं आपको ले चलूँगा। और साथ ही साथ अंजलि की कुछ मीटिंग्स भी थी ऑफिस की, वो जब भी इंडिया आते हैं मोस्टली वर्क फ्रॉम होम लेकर आते हैं, तो काम तो रहता ही है, छुट्टियाँ नहीं होती। बस ये है कि उनका काम थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो कभी दिन में काम कर लिया, मीटिंग्स के लिए तो ऑफकोर्स जो टाइम ओवरलैप करता है उसी में करना पड़ता है, बट वो अपना काम मोस्टली दिन में कर लेते हैं और मीटिंग्स फिर शाम को और लेट नाइट तक चलती रहती हैं। खैर, यहाँ पे बच्चों के साथ मैंने पूजा की, उसके बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा भूखे हो गए थे, अराउंड 10 o'clock हो गया था पूजा वगैरह करते करते, तो हम सब ही फिर एक बार पूजा करने के बाद नीचे चले गए थे और फिर हमने प्रसाद खाया। अभी आपको दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, कीर्तन चल रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी, और ये देखो मेरी मेहंदी लग चुकी है। मैंने मेहंदी लगवा ली, कुछ लोगों ने आज लगवा ली है मेहंदी, और अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत तेज भूख लगी है। प्रसाद का खाना है, वैसे ही वो पता है टेस्ट इतना अच्छा होता है प्रसाद के खाने का, बट यस एंजॉयिंग फूड। करूंगी मामी जी, अब कल देखो कितना टाइम मिलता है। बाय, थैंक यू मामी जी, बाय।
आज है दोस्तों अप्रैल 24th और आफ्टरनून का टाइम है। अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली शादी के सारे फंक्शंस अटेंड करने के लिए। वेन्यू है गोल्डन ब्लॉसम, वहीं पे हम सबके रूम्स बुक्ड हैं। तो हम लोग दोपहर को निकले हैं क्योंकि आज शाम को गोद तिलक का फंक्शन है, सो हम वो सब मिलकर अटेंड करेंगे। सो दोस्तों ये है हमारा रूम, सारा लगेज आ गया, अभी हम लोग जा रहे हैं। ये हूँ मैं, अभी रेडी होंगे। आज है गोद तिलक का फंक्शन, तो बस अभी सामान वगैरह आया है। अभी अपने मैं लहंगे खोल के टांग दूंगी जिससे कि उनका केन केन थोड़ा खुल जाएगा। और अभी हाई टी है तो हाई टी के लिए जा रहे हैं। और ये देखो मैंने मेहंदी लगवा ली थी, बट ना अब थोड़ी लाइट भी हो गई क्योंकि थोड़े बहुत कपड़े वगैरह मैंने धुले हाथ से, तो वो थोड़ी थोड़ी निकल गई। बता चुके मेहंदी लगी हुई है दोनों हाथों में मेरे। एक सेकेंड इधर से पकड़ के दिखा दी। इसमें मैंने लिखवाया अपना और अंशुल का नाम छोटा छोटा। चलो बस देख लिया, अब फटाफट चले चलते हैं। और ये है दोस्तों बाहर का व्यू। पापा फोन आ रही है, फोन नहीं आ रही है। चलो भाई हाई टी के लिए आओ, हाई टी आओ। आओ भाई बको से। ये क्या हो गया तुझे भाई? जीजा आया तो अच्छा, जीजा बेटा अपनी कमर बचा के रख। अरे वाह बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई है। कृतिका कहाँ लिखा है? अब वो तुम्हें तुम्हें बताएगा, वो ढूंढेगी ढूंढेगी ढूंढने वाला ढूंढे। हाँ बताया सबको, बता मानती हूँ। नहीं दिखा, पीछे कर पीछे कर। ये क्या बनवाया? श्री अरे काफी डिजाइनर मेहंदी लगाई है भाई। एक चीज जो मैं इंडिया की बहुत मिस करने वाली हूँ ना वापस यूएस जाके, वो ये है कि मैंने यहाँ पे अपने कजन्स की शादियाँ अटेंड की हैं। टू बी ऑनेस्ट मेरी शादी के बाद मैंने बस अपने दो भाइयों की शादी अटेंड की है, और इतनी मैं हबड़ तबड़ में उनकी शादी में आई थी ना कि मैं कुछ ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाई थी। बट इस बार जब मैं अभी इंडिया में हूँ तो खूब दिल खोल खोल कर मैं अपने सारे कजन्स की वेडिंग को एंजॉय कर रही हूँ। हेलो दोस्तों वेलकम बैक। आज ना मैंने अपने रूम का थोड़ा सा लुक चेंज किया है, यहाँ पे अपना वर्क स्टेशन सेटअप किया है। पता है अभी तक ना मैं बेड पे बैठ के काम कर रही थी, और बेड पे बैठ के ना मेरी एफिशिएंसी ही नहीं आती थी, तो मैंने ये कंप्यूटर टेबल ऊपर वाले फ्लोर पे रखी थी। मैंने नीचे सेटअप कर लिया, यहाँ पे मेरा सारा काम से रिलेटेड सामान रखा रहता है। देयर इज अ लॉट गोइंग इन माई लाइफ राइट नाउ। आप लोग बोल भी रहे थे कि प्रिया वीडियोज रेगुलरली क्यों नहीं आ रही, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मैं आपको आराम से बताऊंगी डिटेल में, दिस टॉपिक डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो। एक बार ना मैं थोड़ा शादी वगैरह के काम से फ्री हो जाऊं। एक्चुअली हमारे घर में अभी एक शादी हुई है लखनऊ में, अब मेरी बुआ के बेटे की शादी है नारनौल में, May 9th एंड May 10th का फंक्शन है। 9th का वही गोद तिलक का फंक्शन है और 10th की शादी है, तो वही घर की शादी है। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, भात की तैयारी चल रही है, पैकिंग एंड अपने कपड़े पैक करना, ज्वेलरी पैक करना, तो वो सब में पूरा दिन कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता। प्लस मेरा जो अपना काम है वो भी चल रहा है, तो क्या काम है मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच, मेरे लास्ट वीडियो में आप में से बहुत लोगों ने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके सपोर्ट किया, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेजेस आए, इट रियली मींस अ लॉट टू मी। मुझे लगता है यार जो भी पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा सैनिटी मेंटेन करना जानते हैं, थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट से एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो शायद मेरी बात समझ गए होंगे। एंड स्टिल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो उस वाले कमेंट सेक्शन में हेट्रेड फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, मतलब कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। आज ही सुबह मैं कमेंट पढ़ रही थी, शी इज अ लेडी, उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपनी भाभी से जेलस हैं क्योंकि शी इज अ वर्किंग वुमन और अब तो वो अपना MBA भी परस्यू कर रही है। यार व्हाई वुड आई बी जेलस, शी इज माय एल्डर सिस्टर। यार मैं अपना रिलेशन ना अपनी फैमिली के साथ आपको ना जताना चाहती हूँ और ना मैं बताऊंगी। तो अगर आपको लगता है मैं जेलस हूं तो हाँ मैं जेलस हूं। अगर आपको हमारा रिलेशन किसी का भी रिलेशन हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, रिलेशनशिप इज अ फीलिंग। सो या मैंने कल एक इंस्टाग्राम रील पे ना कोट पढ़ा था, उसको मैं अपनी जो अच्छे अच्छे कोट्स में पढ़ती हूँ ना वो मैं अपनी जर्नल में लिख लेती हूँ। द ग्रेटेस्ट फियर इन द वर्ल्ड इज द ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड द मोमेंट यू आर अनअफ्रेड ऑफ द क्राउड यू आर नो लॉन्गर अ शीप यू बिकम अ लायन। सो या जो भी आप काम करो पूरे प्राइड के साथ करो। अच्छा मुझे ना आप में से किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, प्रिया आप रिंग लेने वाले थे। मैंने आई थिंक आपको दिसंबर के एक ब्लॉग में दिखाया था कि मैं रिंग परचेज करने गई थी वसुंधरा से, बट उस जिस डिजाइन की पर्टिकुलरली मुझे चाहिए थी वो मुझे वहां पे नहीं मिली थी, तो मैंने ऑर्डर की थी एक टिफनी का डिजाइन।
तो मेरे पास मैसेज आया था, प्रिया अगर आपने रिंग परचेज कर लिया तो प्लीज उसका डिजाइन शेयर करना बिकॉज शी इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ रिंग। एक्चुअली पता है मैं गई थी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, मुझे वहां के डिजाइन पसंद नहीं आए क्योंकि मुझे एक अलग डिजाइन चाहिए था, तो मैंने उनको एक टिफनी का डिजाइन दिखा के अपना डिजाइन बनवाया है और ये मुझे रिंग रिसीव हुई थी इन द मंथ ऑफ आई थिंक फेब्रुअरी रिसीव हुई है। मैं वियतनाम गई हूँ मार्च में, उससे बट जस्ट कुछ दिन पहले मैं ये रिंग लेकर आई थी और मेरे बिल्कुल दिमाग से ही निकल गई कि मुझे आपके साथ ये रिंग शेयर करनी है। तो कमेंट करने के लिए थैंक यू, सॉरी मैसेज करने के लिए थैंक यू। अब मैं आपको अपना रिंग दिखाती हूँ। वसुंधरा ज्वेलर्स ना हमारे ट्रस्टेड ज्वेलरी शॉप है। भाभी की शादी के बाद जितनी भी हमारे घर में ज्वेलरी आई है ना, हम लोगों ने यहीं से खरीदी है और हमें इनकी क्वालिटी डिजाइन वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो चलो मैं आपको अपनी रिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसका बॉक्स देखो, आजकल ना जो रिंग के बॉक्स होते हैं ना उसमें लाइट वगैरह लगी रहती है तो रिंग्स एकदम शाइन करती है बॉक्स ओपन करते ही। तो मैंने ये ली है ये सॉलिटेयर रिंग, शायद आपको बॉक्स में इतनी पता नहीं चल रही होगी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। वेरी वेरी सिंपल स्लीक डिजाइन लिया है क्योंकि यार मुझे ना मैंने बहुत बड़ी रिंग नहीं ली क्योंकि यूएस में इस टाइप की रिंग बड़ी बड़ी वाली काम नहीं आती, जैसे कॉकटेल रिंग्स होती हैं। यूएस में इस टाइप की जो स्लीक डिजाइन्स होते हैं ना मुझे वही पहनना पसंद है। चलिए दोस्तों आप अभी शादी का कंटेंट एंजॉय करिए जो जो मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। एक बार शादी एंजॉय कर लें उसके बाद हम इत्मीनान से बैठेंगे, बहुत सारे लाइफ अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। आराम से बैठ के कॉफी के साथ बातें करेंगे और एक हमें 150K का स्पेशल Q&A वीडियो करना है। सो आई विल सून पोस्ट कम्युनिटी टैब पे भी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कलेक्ट करूंगी और इंस्टाग्राम पे भी, तो जब मैं पूछूं तो आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझे भेजिएगा। हम एक 150K का स्पेशल Q&A वीडियो भी बहुत जल्दी बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी।